के अभी कंपोनेंट फ्रेंड जहां मैं शेयर करती हूं आपके साथ डीआईवाई फूड रेमेडीज ब्यूटी मेकअप स्किन केयर हेयर केयर एंड लॉट्स ऑफ तो फ्रेंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप क्या शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा डीआईवाई फेस मास्क जो आपकी स्किन में ग्लो देता है साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइटनअप एंड लाइटनअप करता है एंड आपके चेहरे में जिस भी तरह के डार्क स्पॉट्स हैं ब्लेमिशेस हैं एंड पिगमेंटेशन की जो भी प्रॉब्लम है उन सभी से आपको छुटकारा दिलाता है तो फ्रेंड्स नाउ लेट्स हैव अ लुक हाउ टू मेक दिस फेस पैक इस पैक को बनाने के लिए हमें नीड होगी 4 इंग्रेडिएंट्स की पोटैटो एलोवेरा जेल चंदन पाउडर एंड दही फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर पोटैटो तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा पोटैटो है वो नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट है एंड इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे फेस के जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उन पर बहुत ही फास्ट वर्क करता है उनको इजीली रिमूव भी करता है सेकंड में यहाँ पर ले रही हूँ कर्ड यानी कि दही तो दही आप जानते हैं दही में लैक्टिक एसिड होता है साथ ही विटामिन होते हैं जो हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है एंड उसको स्मूथ बनाता है थर्ड में ले रही हूँ यहाँ पर एलोवेरा जेल तो एलोवेरा जेल भी हमारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है एंड फोर्थ जो है वो मैं ले रही हूँ चंदन पाउडर तो चंदन पाउडर जो हमारी स्किन को फेयर करता है एंड हमारी स्किन में ग्लो देता है तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है सबसे पहले हमें आलू ले लेना है और उसको पील ऑफ करना है छील लेना है एंड ग्रेटर की हेल्प से उनको ग्रेट कर लेंगे देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्ट्रेनर स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसके जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो फ्रेंड्स इसके जो जूस हैं हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच दही देन इसमें मैं मिला रही हूँ हाफ स्पून एलोवेरा जेल एंड मैं मिक्स करूँगी इसमें हाफ स्पून चंदन पाउडर यू कैन सी डैट हमारा जो पैक है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ पैक बन के तैयार हो जाए तो फ्रेंड जो हमारा ये पैक है ये बिल्कुल बन के तैयार है देन मैं आपको बताऊँगी इसको आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है और कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है तो फ्रेंड्स आप इसको अपने फिंगर की हेल्प से भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं या किसी ब्रश की हेल्प से भी आप अपने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है अपने फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प जैसे आप कंफर्टेबल हो अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पर एज इट इज छोड़ देना है फ्रेंड्स मेक श्योर कि आपको सबसे पहले अपने फेस को सिंपल वाटर के साथ में नॉर्मल वाटर के साथ में वॉश करना है देन ये फेस पैक अप्लाई करना है ये नहीं फ्रेंड कोई भी फेस पैक आप लगाते हैं तो सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना जरूरी है किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए तभी आप कोई भी फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई करें तो फ्रेंड्स फेस पैक को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है एंड देन अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट के इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है देन आपने नॉर्मल वाटर के साथ में इसको वॉश कर लेना है तो फ्रेंड जब इसको वॉश करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना तो मॉइस्चराइज करने के लिए आप जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं क्या यूज़ करती हूँ मैं हमेशा ही एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ मैं जब भी कोई भी फेस पैक लगाती हूँ उसके बाद एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि फ्रेंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऑल स्किन सूटेबल है आपकी स्किन ऑयली है ड्राई है नॉर्मल है कैसी भी है तो एलोवेरा जो है जेल है वो सभी के लिए सूटेबल है सभी को सूट करता है तो आप जब भी कोई फेस पैक लगाएं तो उसके बाद आप डेफिनेटली आप एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं तो इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज जाएगी फ्रेंड सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि पैक को कितनी बार लगाना है तो फ्रेंड्स आप इसको ऑल्टरनेट डे यानी कि एक दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं या वीक में 2 या 3 टाइम भी लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको डेली भी लगा सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स आप जितना इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे इसके रिजल्ट उतने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे उतनी जल्दी आपको उसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड देखिए बिल्कुल मैं कभी नहीं बोलती 1, 2 या 4 दिन में कुछ नहीं होता कंटिन्यूसली आप इसको जब 8 से 10 बार लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में आपको ग्लो नज़र आएगा एंड आपकी स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट होगी डेफिनेटली फ्रेंड आई एम 100% श्योर आप जब इस पैक को ट्राई करेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको उसके कैसे रिजल्ट मिले फ्रेंड मैं हमेशा आपके लिए जो भी फेस पैक लेकर आती हूँ मैं खुद उन चीज़ों को यूज़ करती हूँ देन तभी मैं इतनी श्योर होकर आपको बता पाती हूँ कि हाँ इसके क्या रिजल्ट हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए एंड लगाने का तरीका और जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं बस 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड हम एक्सटर्नली बहुत चीज़ें करते हैं इंटरनली कुछ नहीं करते लेकिन 2-3 चीज़ें हैं वो हमेशा कीजिए कि अपना जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाइए 2 से 3 लीटर पानी आपको पीने पीना है
हरी सब्जियाँ, सैलेड, कुकुम्बर इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी हेल्दी नज़र आएगी, उस पर ग्लो नज़र आएगा, और नेचुरल ग्लो पाने के लिए नेचुरल चीज़ों के साथ साथ जुड़ना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कीप थम्स अप एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो सब्सक्राइब आप कैसे करते हैं, आप जानते ही हैं, जो रेड कलर का बटन शो हो रहा है बस आपने उसको क्लिक कर देना है, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर देना है, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जो मेरी वीडियो उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इजी एंड इफेक्टिव रेमेडी के साथ। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, टिल देन बाय बाय।